Hello students, welcome to the e-learning class. Today I am going to discuss the 7th chapter of business study, that is the source of business finance. In this chapter I will cover the topic concept of business finance, nature of business finance, significance of business finance, financial requirement and the source of business finance. So in chapters mein hum log pehle ye sab discuss karenge. Before we go into the chapters, we know what is the finance. Finance क्या है? Finance क्या चीज है? हम लोग को business में finance से क्या जरूरत है? Finance which are major in terms of money. Finance मतलब जो हम लोग को money के term में use होता है. As a financial requirement मतलब जो हम लोग को source of business finance. Source of business finance मतलब हम लोग को जो business finance आ रहा है, जो हम लोग business से पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस process से आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस का अर्थ मतलब जिसको हम लोग जहां से हम लोग फंड और कैपिटल को लाए और बिजनेस में इन्वेस्ट करें, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर द स्मॉल बिजनेस और अ लार्ज बिजनेस. ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी नीड द कैपिटल. तो वो कैपिटल हम लोग कहाँ से आएगा, कैसे यूज करेंगे, किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करेंगे, तो वो चीज होता है फाइनेंस. फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत है. तो फाइनेंस को क्या क्या है? लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस. विदाउट फाइनेंस वी कैनॉट स्टार्ट एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आप लोग भी जानते हैं कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग को पैसे की जरूरत है. बिना पैसे के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करें. तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस. क्लियर? तो बिफोर वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व अ सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिलेट्स विद द अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव द मीन्स टू कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव एज अ सैटिस्फैक्टरी पॉसिबल. मीन्स क्या होता है? बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व अ सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक रूल्स बनाया गया है इन ए ऑर्गेनाइजेशन विच रिलेट विद द अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट ऑफ कैश. कैश का किस तरह से अरेंजमेंट किया, वेदर इट विज कैश एंड क्रेडिट. क्रेडिट मतलब जो हम लोग लोन लेते हैं, जो उधार लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट. सो डैट द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव द मीन्स टू कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव. जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका अरेंजमेंट ऑफ कैश और वेदर इन कैश और क्रेडिट से करने से ताकि जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया बिजनेस ऑर्गेनाइज स्टार्ट करने के जो हमने ऑब्जेक्टिव उसको हम लोग सेटिस्फेक्टली अचीव कर सके, उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस. फाइनेंसिंग मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड. फाइनेंसियल मतलब फाइनेंसिंग मीन्स कि जब भी हमको मनी की जरूरत हो वो हमें मिल जाता है, तभी हम लोग एक प्रॉपरली बिजनेस को रन करें. सपोज कुछ अनसर्टिनिटी आ गया, कुछ भी बिजनेस में अनसर्टिनिटी आपको आ गया तो आपको पैसे पर, तो आपको बिजनेस में एक अमाउंट ऑफ कैपिटल हमेशा एज अ रिटेन आर्मी केप करना पड़े ताकि आप जब भी आपको पैसे जो तो आपको वो अवेलेबल है. वेदर इट वॉज अवेलेबल है कैश और क्रेडिट. ऐसा नहीं है आपके पास कैश है तो आपके पास इतना गुबिल होना चाहिए कि आप बाहर से भी एज अ क्रेडिट में पैसा ले सकते हैं व्हेन यू आर नीड एमरजेंसी. तो दैट इज नोन एज अ बिजनेस फाइनेंस. तो बिजनेस फाइनेंस का एज अरेंजमेंट ऑफ कैश वेदर इन कैश और इन क्रेडिट, अरेंजमेंट ऑफ फंड इन कैश और क्रेडिट. ठीक है, बिजनेस में हम लोग क्या फाइनेंस का है? अरेंजमेंट ऑफ कैश, सॉरी अरेंजमेंट ऑफ फंड इन कैश और इन क्रेडिट. क्लियर? इट मीन्स प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज्ड और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइज. तो बिजनेस फाइनेंस एक और तरह से बोला गया है, इट मीन्स द प्लानिंग, रेजिंग एंड मैनेजिंग. मतलब प्लानिंग मतलब क्या? मतलब जो फंड हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या बिजनेस में, उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो होता है प्लानिंग. प्लानिंग मतलब वो कैसे वो पैसा वो कहाँ से, वो भी एक तरह प्लानिंग है. मतलब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एक प्लानिंग बनाए कि हमको कहाँ से कैपिटल लेना, किसके द्वारा लेना, तो वो होता है प्लानिंग. रेजिंग मतलब कहीं से लेके आना. मैनेजिंग मतलब मैनेज करना मतलब प्रॉपरली उसका यूटिलाइज करना. एंड कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज और कैपिटल फंड ऑफ एनी का मतलब उसको कंट्रोल भी करना. ऐसा नहीं कि आप कहीं भी पैसा को इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस स्टार्ट किया तो एक सोच समझ के आपको मनी को इन्वेस्ट करना है कि जो बिजनेस हम स्टार्ट करें उसमें हमको प्रॉफिट अर्न हो रहा है. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न द प्रॉफिट. आप लोगों को भी मालूम है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम लोग को प्रॉफिट अर्न होना चाहिए. प्रॉफिट अर्न होगा तभी हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा. तो बिजनेस फाइनेंस का भी एक मेन एम्स होता है कि वो कंट्रोल भी करे
मनी जो हमारे कैपिटल फंड्स आए हैं उसको कंट्रोल भी करना है कि हमको उसका प्रॉपर यूज ऑफ मनी यूज हो जाए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी हो पाए, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑल द मनी यूज और कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज इन, मतलब किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे छोटा से छोटा दुकान ही खोलना है या बहुत सा लार्ज ऑर्गेनाइज, वेदर इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल बिजनेस, इवन यू हैव टू ओपन एनी मेडिकल शॉप्स और क्लोथ शॉप, यू हैव टू नीड अ कैपिटल फंड। तो ये सब चीज का अगर एक प्लानिंग से एक अच्छे तरीके से आप हो सकता है तो आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है। तो बिजनेस फाइनेंस में आपको पहले आपको बिजनेस फाइनेंस के मतलब समझो, बिजनेस फाइनेंस में आपको फंड कहाँ से हमने लाए, ये क्या था, व्हाट आर द सोर्स, मतलब सोर्स मतलब कहाँ से फंड आए। देखिए हमने अभी बिजनेस फाइनेंस मतलब हुआ कि अरेंजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन ए कैश और क्रेडिट व्हेन द कंपनी इज और ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड, क्लियर। तो बिजनेस फाइनेंस मतलब आपको समझा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो हमारा क्या नेचर है बिजनेस फाइनेंस में, क्या है, कहाँ कहाँ ये रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव से वी विल डिस्कस। द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज इट इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या आप लोगों को लगता है कि आप बिजनेस कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते बिना पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं। तो हियर द बिजनेस इज फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, स्मॉल से या लार्ज स्केल, आपको फाइनेंस हर चीज जरूरत है। फाइनेंस के बिना आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर, तभी तो फाइनेंस को कहा गया एज अ लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजर, ठीक है। क्यों लाइफ ब्लड किया गया, क्योंकि विदाउट फाइनेंस वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजर वेदर इट इज अ स्मॉल और लार्ज स्केल। कोई भी एक छोटा सा भी कोई भी आप शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको एक फाइनेंस की जरूरत है। तो द फर्स्ट फीचर्स ऑफ द बिजनेस फाइनेंस इज नेसेसरी टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। नाउ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस मतलब हमारे साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस जरूरत है, स्मॉल स्केल है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो जितना हमारा जैसा ऑर्गेनाइजेशन से जितना हमारा बिजनेस है उसी हिसाब से वो फाइनेंस है। तो बिजनेस फाइनेंस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ स्मॉल स्केल इट रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल और लार्ज स्केल इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो सेकेंड फीचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ। नाउ थर्ड इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल मीन्स क्या होता है, यहाँ पर कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल्स होते हैं, यहाँ पर हम लोग का कैपिटल कहाँ से आता है, तो हम लोग कैपिटल कहाँ से लेते हैं, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट बट इन द शॉर्ट आई विल डिस्कस। कैपिटल्स हमारे दो जगह से आते हैं, ओनर फंड से एक बोरोअर फंड से। तो हमको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आते अपना ओनर्स कैपिटल यूज कर सकते हैं, बट फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वी रिक्वायर बोथ द ओनर्स फंड एंड द बोरोअर फंड ऑल्सो, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग सिर्फ अपना ओनर्स फंड्स को नहीं यूज कर सकते, उसमें आपको बोरो फंड्स के भी यूज करना है। वी विल डिस्कस इन द अबाउट दिस टाइप्स ऑफ कैपिटल, विल डिस्कस इन द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि हमको क्यों बोरो फंड्स की भी जरूरत है और ओनर्स फंड्स की भी जरूरत है। बट यहाँ इन द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, इट रिक्वायर्स बोथ द ओनर्स फंड्स और एज वेल एज द बोरोअर्स फंड्स, क्लियर। नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग नेचर, फ्लक्चुएटिंग नेचर में कैपिटल हम लोग का कभी भी कम ज्यादा लगता है, मतलब कोई बिजनेस ऐसा नहीं कि एट थ्रू आउट द ईयर हमको सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, वो कभी भी ज्यादा लग सकता है कभी लो लग सकता है। तो ये फ्लक्चुएटिंग नेचर है, मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट चाहिए, लेकिन जब हमारा बिजनेस रन कर रहा है प्रॉपरली रन कर रहा है ड्यूरिंग द मिडिल टाइम देन वी रिक्वायर सम वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब हम लोग को एज ए डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए हमें कुछ कम अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए ताकि हम जो डे टू डे ट्रांजेक्शन उसको कर सके। तो बिजनेस फाइनेंस इज अ फ्लक्चुएटिंग नेचर, इट रिक्वायर्ड नॉट एट द सेम टाइम इन एवरी टाइम, मतलब एक ऐसा हर जब समय नहीं चाहिए, उसमें कभी भी घटता बढ़ता रहता है, कभी कम लगता है कभी ज्यादा लगेगा, क्लियर। नेक्स्ट इट इज अ वाइडर टर्म, नाउ बिजनेस फाइनेंस इज वाइडर टर्म, बिजनेस फाइनेंस को वाइडर टर्म क्यों कहा है, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमको पहले फंड की जरूरत है। तो ये फंड कहाँ से आएगा, बाहर से मिल रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, तो ये एक बहुत ही बड़ा टर्म्स है जो हम लोग एक लोग से नहीं स्टार्ट होता, ये बहुत लोग है,
इसमें डेब्ट्स भी होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं, डेटर्स भी होते हैं, जिसका हम लोग जो फाइनेंस यूज करें. तो बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स अ वाइडर टर्म टू रन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? तो स्टूडेंट कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is that is the significance of business finance. What is the importance of finance in the business? Finance का क्या role है हमारे business में? So as we know, finance is the lifeblood of a business or it is the soul of a business. Finance हमारा business का lifeblood है. Without finance, none of the business will stand. कोई भी business organization है बिना finance को stand नहीं सकता. Which is very necessary to have a enough fund of finance for the business established for any business organization. So first point kya hai hamara, necessary for establishing a business. Establishing a business matlab hum log ko malum hai business ka kya roop hai. Business starts with finance and ends with also finance. Matlab each and every part we have to require a finance for running the business smoothly. तो फर्स्ट क्या establishing the business, मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का आपको क्या जरूरत है, वी हैव टू नीड अ फाइनेंस. तो फॉर establishing अ बिजनेस वी हैव टू नीड अ फाइनेंस, मतलब किस तरह बिजनेस को establish करेंगे. आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो पहले उसके लिए आपको लैंड चाहिए, फिर बिल्डिंग चाहिए, फिर आपको फर्नीचर चाहिए, मशीन चाहिए, तभी तो आप बिजनेस ऑर्गेनाइज स्टार्ट करें. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सब ऐसे तो मिल जाएगी. आपको नीड अ फाइनेंस, देन यू हैव टू परचेज द लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरीज. तो फॉर establishing any business, we have to need a finance. अगर किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको चाहे एक छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करो या लार्ज स्मॉल या लार्ज, वी हैव टू नीड अ फाइनेंस. विदाउट फाइनेंस वी कैनॉट स्टैंड एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी बिजनेस हम लोग स्टैंड नहीं करते बिना फाइनेंस का आपका. जस्ट लाइक इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम विदाउट हैव अ फाइनेंस. अगर कोई आपके पास कोई पैसा नहीं तो आपको कैसा एक सपना लगेगा कि हम ये बिजनेस तो कैसे स्टार्ट करें. तो इट वॉज जस्ट लाइक अ ड्रीम इफ यू हैव नॉट इनफ फाइनेंस टू स्टार्ट एनी बिजनेस ऑर्गेनाइज. ठीक है, अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते हो. इफ यू हैव अ फंड यू कैन स्टैब्लिश इन बिजनेस ऑर्गेनाइज, कोई भी बिजनेस हो चाहे स्मॉल हो या लार्ज. क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज नेसेसरी फॉर स्टैब्लिशिंग अ बिजनेस. सेकेंड, नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस. नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस मीन्स क्या, कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए हमको डे टू डे ट्रांजेक्शन को करने के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत, फंड की जरूरत है. क्यों? हम सपोज हमारा लैंड खरीद लिया, हमने मशीनरीज खरीद लिया, तो जो मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए हमको फ्यूल्स चाहिए, वर्कर्स को जो वर्क के लिए हम लोग अपॉइंट करें उनको डेली वेजेस चाहिए, हमको मेटेरियल्स चाहिए, तो वो सब कैसे, वो भी फाइनेंस के द्वारा ही तो होगा, फंड होगा तभी तो हम लोग सब करें, रॉ मेटेरियल परचेज करेंगे, वर्कर्स को वेजेस देंगे, सैलरीज देंगे, फ्यूल्स लाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो अदर चार्जेस है. तो फॉर रनिंग द स्मूथ बिजनेस, कोई भी बिजनेस रनिंग करने के लिए हम लोग को फाइनेंस की जरूरत है. तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस. फाइनेंस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस, मतलब कोई भी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमको भी फाइनेंस है. तो हमेशा क्या, फाइनेंस में अगर हमको कोई सपोज से कोई फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एक लमसम अमाउंट हमको फाइनेंस इन्वेस्ट कर रहे हैं. लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद हमको एक सर्टन अमाउंट भी रखना पड़ता है, ताकि ऐसा नहीं कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया तुरंत ही आपको स्टार्ट किया आपको प्रॉफिट हो जाए. मे बी वी विल गेट अ प्रॉफिट आफ्टर वन और टू इयर्स, देन वी हैव टू कीप सम सर्टन अमाउंट ऑफ मनी फॉर द पेमेंट्स ऑन द डेली वेजेस टू द वर्कर्स, सैलरीज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, फॉर परचेसिंग द रॉ मेटेरियल. ठीक है, ये सब करने के लिए हमको फाइनेंस भी रखना होता है फॉर रनिंग द बिजनेस. कुछ भी बिजनेस चलाने के लिए हमको एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी वी हैव टू कीप असाइड फॉर रनिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? तो एक बिजनेस चलाने के लिए एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी भी आपको रखना हो, ताकि आपका बिजनेस स्मूथली रन कर सके. विदाउट वी इफ यू नॉट एबल टू कीप द फाइनेंस फंड्स फॉर द ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द ईयर यू विल नॉट एबल टू डू दैट, क्योंकि आपको ये कहाँ से लाएगा बिजनेस रन करने के लिए. आपको रॉ मेटेरियल सपोज आप क्रेडिट पे ले सकते हो, लेकिन कितना क्रेडिट, उसके लिए आपको फिर पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, कहाँ से आप पेमेंट करो. तो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने स्टैब्लिश में तो लगेगा लमसम अमाउंट, लेकिन एट द रनिंग पीरियड यू ऑल्सो नीड अ फंड टू रन योर बिजनेस. क्लियर? नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस. तो फाइनेंस इज ऑल्सो नेसेसरी टू मॉडर्नाइज योर बिजनेस. अगर हमको कोई भी चेंजेस लाना है
उसके लिए भी हमारा फाइनेंस भी हेल्प करता है, ताकि हम लोग एज अ एनवायरमेंट चेंजेस के हिसाब से, अब मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से हम न्यू मशीन को खरीद रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करें. अगर आपके पास फाइनेंस ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा तभी तो अगर हमारा न्यू मॉडल ओल्ड मशीन से रिप्लेस अगर न्यू मशीन कर सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं. अगर फाइनेंस नहीं रहे तो हम नहीं करते. तो दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू बिजनेस, फाइनेंस ऑल्सो हेल्प टू मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंसिस ऑफ बिजनेस. मतलब जितना हम लोग पैसा लगाएंगे हमारा बिजनेस भी उतना ग्रोथ होगा, एक्सपेंस होगा, बढ़ेगा. जितना आप लोग पहले ही पढ़ा होगा, वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द प्रॉफिट, एज मच मच कैपिटल वी इन्वेस्टेड योर बिजनेस विल बी ग्रोथ और एक्सपेंड. मतलब जितना कैपिटल इन्वेस्ट उतना हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा. तो ये भी हमारा फाइनेंस ही है जो हमारा मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस में हेल्प करता है. क्लियर? नेक्स्ट, नेसेसरी फॉर एवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब कभी कभी ऐसा ऑफर्स होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीन्स मतलब कभी कभी ऑफर्स होता है कि आपको डिस्काउंट पे कुछ मशीन्स मिल जा रहा है या कुछ. तो ये चीज भी हमारा बिजनेस में बहुत जरूरी है कि हमको एक सर्टन अमाउंट हो, कि जब भी कोई अवेलेबल ऐसा अपॉर्चुनिटी आया उस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठाए, तभी हमको बेनिफिट है, तभी हमारा बिजनेस को हम कम दाम में मतलब मशीन खरीद के एज अ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. तो ये भी हमारा एक हेल्प करता है, हेल्प टू नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. कभी कभी ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है जिससे हम लोग फाइनेंस द्वारा ही उसको अवेल कर सकते, उसको हेल्प कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, नेसेसरी फॉर फेसिंग द रिसेशन. ठीक है, नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन. रिसेशन मीन्स क्या होता है, मतलब ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, मतलब ऑफ सीजन हो या कुछ अनसर्टेनिटी आ गया जिससे आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिससे आपको प्रोडक्शन नहीं तैयार हो पाया, आपका मार्केट में सेल्स नहीं हो पाया. तो ये क्या होता है, फाइनेंस ही होता है जो हमारे ऑफ पीरियड में भी हेल्प कर सकता है. ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन में आपका प्रॉफिट हुआ तो आप एज ए जो रिटर्न आ रहे फाइनेंस है, तो आप एज ए वर्कर्स को तो वेजेस दे सकते हो, अपना जो डेली यूजेस है जो सर्टन वो आप कर सकते हो. तो ये भी हमारा फाइनेंस ही द्वारा हो जाता है कि फाइनेंस हेल्प फॉर फेसिंग दिन रिस्ट्रिक्शन. मतलब ऑफ सीजन में आप लोग फाइनेंस द्वारा ही अपना हेल्प कर सकते हो. सपोज आपका प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपका जो पैसा पहले से रखा उससे हम लोग यूज कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग द गुडविल. गुडविल हम लोग को मालूम है गुडविल क्या होता है. गुडविल इज वन ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. तो ये किससे रेपुटेशन आता है, जितना पैसा है उतना रेपुटेशन हमारा होता है. बिजनेस का एक मेन है कि आपको गुडविल कैसा होता है. गुडविल होता है कि आपको एज ए रेपुटेशन, मतलब आपने मार्केट में आज आप शो किया है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप कभी भी किसी भी कोई पेमेंट को क्विक पेमेंट कर सकते हैं. तो गुड फाइनेंस ऑल्सो हेल्प इंक्रीजिंग द गुडविल. अगर सपोज आपको कोई पेमेंट आप क्विक पेमेंट कर रहे हो तो आपका उसका रेपुटेशन बढ़ा कि हाँ इस कंपनी से हमको अच्छी हमारा पेमेंट में कोई भी रुकावट नहीं होता, कोई भी मटेरियल परचेज का हमको तुरंत पेमेंट हो रहा है. उससे आपका एक इमेजेस बढ़ा, गुडविल्स बढ़ा, उससे क्या हो रहा है आपका रेपुटेशन बढ़ा. तो आप कहीं भी मार्केट में आपको कभी भी अगर कैश की जरूरत है तो आप कहीं से भी बाहर से ले सकते हो. तो ये क्या होता है, फाइनेंस ऑल्सो इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म और द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो फाइनेंस इज ओनली दैट हेल्प्स टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बिजनेस. क्लियर? सो दिस आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन द बिजनेस. हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंस था. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होता है, कि हम लोग को फाइनेंशियल किस चीज के लिए चाहिए, कितने टर्म्स के लिए. मतलब आपको फाइनेंशियल हमने भी बताया कि सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ाएंगे कि ओनर्स फंड और इक्विटी फंड क्या होता है, ओनर्स फंड और बोरोस फंड क्या है. तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हम लोग को कितने पार्ट में चाहिए, मतलब जो फाइनेंशियल हम लोग हेल्प ले रहे हैं बाहर से तो कितने पीरियड तक लिए. कुछ लोग लेते हैं एक साल के लिए, कुछ लोग पांच साल के, तो दस साल के, लाइफ टाइम के लिए. तो वो होता डिपेंड अपॉन होता है. तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नीडेड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम विच वी टेक द फाइनेंशियल फॉर मोर देन 10 ईयर्स. मतलब कोई भी ऐसा फाइनेंशियल हेल्प हम लोग किसी से ले रहे हैं, मतलब जिसका पीरियड मोर देन 10 ईयर्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड किसके लिए यूज होता है, स्पेशली फॉर परचेसिंग द मशीन, लैंड, फर्नीचर, इस सब के लिए हम लोग को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स होता है. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स हम लोग के लिए लाइफ टाइम के लिए भी यूज करते हैं और मोर देन 10 ईयर्स के लिए. मोर देन 10 ईयर्स क्यों, क्योंकि जो मशीनरी होता है वो लाइफ टाइम नहीं होता है,
आफ्टर सर्टेन ईयर्स दे हैव टू बी डिस्पोज, मतलब खराब हो जाता है. अब उसका डेप्रिसिएशन चार होता है, मशीन खराब है तो उसको न्यू मशीन रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये होता है हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्लिप. लॉन्ग टर्म हम लोग जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन पीरियड फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब 10 इयर्स के ज्यादा तक के लिए आपको ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड चाहिए. नेक्स्ट आ रहा है मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड. मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड हियर द पीरियड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर टू 10 ईयर्स, मतलब जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमको 1 साल से 10 साल के बीच तक में यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग एज अ मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड. मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड किसके लिए होता है? सपोज आपके मशीन की बीच रिप्लेस करना हो, उस चीज के लिए हम लोग को मीडियम टर्म फाइनेंशियल यूज होना पड़ता है. डिप्रेशन मतलब रिपेयरिंग करना हो, उसके कुछ पार्ट खराब हो गए, तो उसके लिए हम लोग को मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत होती है. क्लियर? नाउ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड हैड अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर 1 ईयर, जो 1 ईयर के लिए होते हैं. ठीक है? लॉन्ग टर्म से कितने होते हैं? अबाउट 10 ईयर्स. ये 1 to 10 ईयर्स. ठीक है? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड क्या होता है? जिसमें हमारा जो भी फाइनेंशियल नीड विद इन द ईयर्स में यूज हो जाता है. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड में क्या होता है? जो डेली वेजेस वर्कर्स के होते हैं, सैलरी होते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको लिए हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड है. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड किसके लिए? जो हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके लिए हमको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड की जरूरत है. तो ये हमारा जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ये तीनों के लिए जरूरी है. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड के लिए हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड नहीं लिए. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स लेते हैं हम लोग सिर्फ लैंड और बिल्डिंग मशीन परचेज करने के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हम लोग बिजनेस को रनिंग करने के लिए लेते हैं. क्योंकि जो हमारा मशीन में फ्यूल्स लग रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज लग रहे हैं, वेजेस लग रहे हैं, सैलरी वेजेस लग रहे हैं, मतलब जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा वो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स के द्वारा ही होता है. अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स नहीं ले तो हम लोग जो डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहा है बिजनेस वो कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं वर्कर्स अपनी सैलरी मतलब अभी वर्क करे 1 साल के बाद सैलरी ले, ऐसा नहीं है. उनको हर मंथली सैलरी चाहिए, वेजेस चाहिए, ताकि उनके डेली उनकी भी तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स नीड्स है जो फुलफिल कर सकते हैं. तो हमारे जो बिजनेस है ये तीनों टाइप के उनके फाइनेंशियल की जरूरत है. लॉन्ग टर्म्स की जरूरत भी है, मीडियम टर्म्स की जरूरत है एंड शॉर्ट टर्म्स. मतलब अगर अच्छा बिजनेस स्मूथली बिजनेस को रन करना है तो वी हैव टू नीड ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म ऑल्सो, मीडियम टर्म एंड द शॉर्ट टर्म ऑल्सो. क्लियर स्टूडेंट? आवर लास्ट टॉपिक इज दैट इज द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है? मतलब अब हमारे जो मेन टॉपिक है हमारे चैप्टर्स का सोर्स, मतलब सोर्स मतलब बिजनेस फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस है ये कहाँ से आता है, हम लोग कहाँ से लेते हैं. कोई भी चीज पॉसिबल तो नहीं एक आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा वो बिजनेस स्टार्ट करे, तो उनके लिए वो क्या है? वैसे हम लोग देखो अगर कंपनीज में हम लोग प्राइवेट फॉर्म ऑर्गेनाइज करे पड़े थे कंपनीज में कि इक्विटी शेयर होल्डर द्वारा जो कैपिटल चलाते हैं, तो बिजनेस फाइनेंस में भी हम लोग को कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे हम लोग कैपिटल ला रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है वो जरूरी है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, दैट इज द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस एंड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस. तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जो फाइनेंस हमारा जो बिजनेस में आ रहा है वो तो कहाँ से एक आता है? एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे आता है, एक मीडियम टर्म बेसिस पे आता है और एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे आता है. तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है जो हम लोग फाइनेंस फॉर अ लाइफ टाइम के लिए यूज करते हैं, वो होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस. सपोज जैसे इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर एंड डिबेंचर्स, दे आर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है? जो ओनर्स फंड, मतलब हम लोग जो फंड्स होते हैं, हम लोग फंड्स कहाँ से लाते हैं? दो जगह से लाते हैं, एक ओनर फंड से, एक बॉरोअर फंड से. तो उसका डिफरेंस हम बताते हैं क्या होता है. तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम लोग जो ओनर्स फंड से लेते हैं, जो इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर से लाते हैं, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हम लोग एज अ शेयर लेते हैं, एज अ उनसे लेते हैं, और वो एक ओनर्स फंड हुआ जो हम लोग एज अ लाइफ टाइम के लिए वो फंड्स को यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. नेक्स्ट होता है मीडियम टर्म फाइनेंस. मीडियम टर्म फाइनेंस किसमें आता है? प्रिफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बैंक. प्रिफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स हमारा मीडियम टर्म फाइनेंस को भी कहा जा रहा है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस को भी कहा गया है.
ठीक है, और बैंक, बैंक इज ऑल्सो कम अंडर द मीडियम टर्म फाइनेंस, जो हमारा अगर 10 ईयर्स तक में हमारा वो जो फंड सारा 10 ईयर्स तक में भी यूज करें उसको हम लोग मीडियम टर्म फाइनेंस करें ना। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो कमर्शियल बैंक, जो हम बैंक द्वारा लोन्स ले रहे हैं एज ए विद इन द 1 ईयर्स में और 2 ईयर्स में हमको पेमेंट भी करना है, ओवरड्राफ्ट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, ये सब होता है हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो 1 साल के अंदर हमारा जो टर्म फाइनेंस हो रहा है, यूज हो रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं एज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस फाइनेंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में इसमें क्या डिफरेंस है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म फाइनेंस में? लॉन्ग टर्म फाइनेंस में ये होता है कि हम लोग ये लोग जो फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओनर्स फंड, ये हम लोग तभी तब तक यूज कर सकते हैं जब तक हमारी कंपनी विंड अप नहीं होता है, मतलब जब तक कंपनी है तब तक ये फंड हमारे पास ही रहेगा। जब हमारी कंपनी विंड अप होगा तभी हम कंपनी को हमारा ये फाइनेंस, हमारा ये जो पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म फाइनेंस में क्या होगा, आफ्टर सर्टेन पीरियड वी हैव टू पे द डेट, मतलब हमने जो भी लोन बाहर से लिए हैं, जो बोरो फंड से लोन लिए, वो हम लोग को शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आते हैं और वो हम लोग एट द सर्टेन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड वी हैव टू रिटर्न द डेट्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड, ओनर्स फंड एंड द बोरोअर्स फंड। ओनर्स फंड क्या होता है, ओनर्स फंड जो होते हैं जो इक्विटी सोर्स होल्डर्स लोग जो एज अ बिजनेस ओनर्स अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो इक्विटी शेयर होल्डर को ओनर्स फंड क्यों बोला जाए, क्योंकि वो फंड होते हैं जो लाइफ टाइम के लिए यूज होता है एंड दे विल गेट अ फंड रिटर्न ओनली व्हेन द कंपनी विल बी विंडिंग अप। ठीक है, इसलिए इसको ओनर्स फंड, मतलब इसको याद नहीं, आपको सर्टन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड वी हैव टू रिटर्न द डेट ऑफ द फंड, ये ओनर्स फंड नहीं होता। लेकिन बोरोअर्स फंड में क्या होता है, दैट आफ्टर द सर्टन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड वी हैव टू रिपेमेंट द डेट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ओनर्स फंड होता है जो ओनर्स अपने बिजनेस में फाइनेंस लगाता है, उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। बोरोअर्स फंड होता है जो हम लोग बाहर से लोन लेते हैं, उसको हम लोग बोरोअर्स फंड बोलते हैं। क्या ओनर्स ऑफ बोरोअर्स फंड क्या डिफरेंस है, ओनर्स मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना इन्वेस्टमेंट खुद लगा रहा है, मतलब जो कंपनी का मालिक है वो पैसा लगा रहा है। बोरोअर मतलब जो हम लोग बाहर से ले रहे हैं पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम लोग आज बोरोअर्स फंड बोलते हैं। तो व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द ओनर्स फंड एंड द बोरोअर फंड, let's say it refers to the fund provided by the owners of the business, matlab ye fund kahan se aata hai, owners lata hai, so owners fund mein business ke liye jo funds kahan se aata hai, owners lata hai, lekin borrow fund mein kya hai, it refers to the fund which is taken by the business in the form of loan, matlab borrow funds kahan se aata hai, jo business humne use to kare lekin in the form of loan, matlab outside se hum loan jo lete usko hum loan hai borrow funds kehte hai, और ओनर्स फंड में एज ए ओनर्स अपना कैपिटल खुद यूज कर रहे हैं। क्लियर, नेक्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेंड अर्निंग आर कम्स अंडर द ओनर्स फंड, मतलब ओनर्स फंड में कौन कौन आ रहा है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेंड अर्निंग। वेयर द बोरो फंड में क्या कौन सा आ रहा है, डिबेंचर्स, बोन्ड, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जिससे हम लोग बाहर से उधार ले रहे हैं उसको हम लोग बोरोअर्स फंड बोलते हैं। तो डिबेंचर्स भी हम लोग को एट अ सर्टेन पीरियड, 1 साल या 2 साल में वो डिबेंचर भी रिडेम हो जाता है, उसको जैसे मतलब अभी आगे फ्यूचर्स में पढ़ोगे रिडेम्पशन और डिबेंचर्स के बारे में पढ़ोगे उसके बारे में। तो डिबेंचर्स क्या होता है कि एक टाइप का लोन है जो हम 1 साल या 2 साल के लिए लेते हैं, उसको एट आफ्टर सम टाइम्स विद अ सर्टेन पीरियड एक्सपायरी ऑफ द पीरियड वी हैव टू रिपेमेंट द डिबेंचर्स, हमको डिबेंचर्स पेड करना पड़ता है। और लोन फ्रॉम द किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना उसको हम लोग आज बोरोअर्स फंड बोलते हैं। क्लियर, नेक्स्ट फॉर दिस फंड देयर इज नो नीड ऑफ एनी सिक्योरिटी, हमको इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए और प्रेफरेंस शेयर को कोई एक सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है कि हमको फंड इन्वेस्ट करना है तो हमको सिक्योरिटी दिखाई कि हम फंड इन्वेस्ट, लेकिन बोरोअर फंड्स के लिए वी हैव टू रिक्वायर सिक्योरिटी, मतलब आप लोन ले रहे हो किसी को तो अपनी अपनी एक सिक्योरिटी उनको देना है तभी तो आपको लोन मिला, बिना सिक्योरिटी दिए आपको लोन नहीं मिल सकता है। लेकिन ओनर्स फंड में आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप इक्विटी शेयर होल्डर से ओनर से पैसा इन्वेस्ट करा लेकिन इसमें कोई सिक्योरिटी, इन बोरो फंड में यू हैव टू नीड अ सिक्योरिटी फॉर टेकिंग द लोन। क्लियर, ऑन दिस फंड द ओनर्स गेट अ प्रॉफिट इन द वे ऑफ कंसीडरेशन, ठीक है, सॉरी ऑन दिस फंड द ओनर्स गेट अ प्रॉफिट इन द इन बाय वे ऑफ कंसीडरेशन, मतलब यहाँ पर ओनर्स फंड में ओनर्स को प्रॉफिट मिलेगा जब वो पूरा अपना
एक्सपेंसेस चार्जेस काट लेगा जब उसको लगे कि हाँ मेरा प्रॉफिट आफ्टर द रेसिडुअल इनकम, मतलब जो इनकम रेस्ट बचता है सबको पेमेंट करने के बाद, वो इनकम से उनको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑन दिस फंड अ लेंडर गेट इंटरेस्ट बाय द वे ऑफ कंसीडरेशन। इसमें लेंडर्स को इंटरेस्ट मिलता है, जितना भी वो लोन दिया उसको उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज हैज बी गिवन टू इन फॉर्म टाइम टू टाइम, मतलब यहाँ पर टाइम टू टाइम उनको पेमेंट भी इंटरेस्ट देना है। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ बिजनेस, इट्स रिफंड टेक प्लेस ऑन द विंडिंग ऑफ द कंपनी। ओनर्स फंड को क्या बोला, इज ए परमानेंट फंड बोला गया है, और इसमें क्या बोला गया, इट्स रिफंड, मतलब इसका जो रिफंड तभी हम लोग ले सकते हैं जब ये कंपनी हमारा विंड मतलब क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तभी हम लोग ये फंड्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न करें, नहीं तो नहीं। जब तक हमारी कंपनी चलेगा हमारा ये फंड हमारे पास केप्ट रहेगा, हमारे यूज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें क्या है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फंड, आफ्टर सम टाइम इट हैज टू बी रिफंड, मतलब बोरो फंड क्या है, एक शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए ये फंड दिया जाता है, और आफ्टर द सर्टन टाइम व्हेन द पीरियड वाज ओवर वी हैव टू रिपेमेंट द डेट ऑफ द फंड। क्लियर? द कंपनी हैव टू पे द रिपेमेंट फॉर द डेट, मतलब बोरो फंड में आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में आपको फंड्स को रिटर्न करना है। लेकिन ओनर्स फंड में आपको ऐसा नहीं है, वो आपका एज ए लाइफ टाइम रहता है, जब आपकी कंपनी बंद होगी तभी आप उसको फंड्स को रिटर्न करें। तो हैव यू गेट अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ओनर्स फंड और इक्विटी शेयर होल्डर में? ओनर्स फंड में मतलब जो बिजनेस कैपिटल कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर्स खुद इन्वेस्ट कर रहा है। बोरोस फंड्स में कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन कहाँ से इन्वेस्ट हो रहा है, आउटसाइडर से इन्वेस्ट हो रहा है। दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस, मतलब ओनर्स फंड में ओनर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, बोरोस फंड्स में द आउटसाइडर्स इन्वेस्ट द कैपिटल इन द बिजनेस। इन द ओनर्स फंड गेट अ प्रॉफिट, बोरोस फंड्स गेट अ इंटरेस्ट। क्लियर? This is the basic difference between the owner's fund and the equity, borrower fund. Clear? Yes?